फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विदिशाज इंडियन किचन में। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे आलू के पराठे और इसके साथ टमाटर की मीठी चटनी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं पराठे बनाना। तो आइए हम देख लेते हैं हमें आलू के पराठे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये हमने 6 बड़े बड़े आलू ले लिए थे, ये हमने उबाल के मैश करके रख लिया है। और ये 3 कटी हुई प्याज, इन्हें हमने बारीक काट के रख लिया है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया, 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और मसाले में हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, स्वाद अनुसार नमक। और इसे बनाने के लिए हमने ले लिया है आटा, गूंद के रख लिया है। ये लगभग 500 ग्राम के लगभग आटा है। तो आइए हम देख लेते हैं हमें आलू का पराठा बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये हमने 5 से 6 मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं, इन्हें हमने उबाल के अच्छे से मैश करके रख लिया है। इसे तुरंत उबाल के मैश कर लेना चाहिए, नहीं तो इसमें गुठलियाँ आ जाती हैं जिससे पराठे अच्छे नहीं बनते। ये 3 बारीक कटी हुई प्याज ले लिया है हमने, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया, 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये 500 ग्राम के लगभग आटा ले लिया है हमने, इसे हमने अच्छे से गूंद के रख लिया है। और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, तेल। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आलू को भूनेंगे। तो आलू भूनने के लिए हमने कढ़ाई गरम कर लिया है, इसमें हमने डाल दिया 3 बड़ी चम्मच तेल। ये सरसों का तेल है। तेल को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। आलू का पराठा बनाने के लिए हम लोग आलू जो भूजेंगे उसका सबसे ज़्यादा टेस्ट सरसों के तेल में ही आता है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल देते हैं कटी हुई हरी मिर्च। अब इसमें डाल देते हैं बारीक कटी हुई प्याज, इसमें प्याज थोड़ा ज़्यादा पड़ता है जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इस प्याज को अच्छे से लाल होने तक भून लेंगे। प्याज अच्छे से भुनेगा, टेस्ट और भी अच्छा आएगा। इसे ऐसे ही चलाते हुए भूनते रहेंगे, इसे अच्छी तरह से भूनेंगे चलाते हुए। प्याज अच्छी तरह से लाल हो जाए तब हम इसमें आलू डालेंगे। प्याज हमारा अच्छी तरह से भून गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। ये इसे हम थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी बनाने के लिए डाल रहे हैं, आप चाहे तो इसे ना भी डालें। बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देते हैं। हमारा मसाला अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, अब हम इसमें मैश किए हुए आलू डाल देते हैं। आलू डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिलाएं, इसे बहुत अच्छी तरह से मिलाना होता है। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, 1 मिनट तक इसे भी भून लेंगे।
ये अच्छी तरह भून चुका है। अब हम इसे निकाल के एक प्लेट पे ठंडा होने के लिए रखेंगे, और जब तक हमारा आलू ठंडा होगा तब तक हम इसके साथ खाने के लिए टमाटर की मीठी चटनी बना लेंगे। टमाटर की मीठी चटनी बनाने के लिए हमने ले लिया है 4 पके हुए टमाटर, आधा कप चीनी, 4 सूखी लाल मिर्च, 2 तेज पत्ते और 1/2 टीस्पून पचफोरन। अब इस टमाटर को हम बारीक काट लेते हैं। हमने टमाटर को बारीक काट के रख लिया है, इसे इसी तरह से काटेंगे। हमने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था, कढ़ाई भी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून सरसों का तेल, इसमें तेल कम पड़ता है। तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब आप इसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्च, दो तेज पत्ते और आधा चम्मच पचफोरन। इन सबको अच्छे से भून लें। तड़का हमारा लाल हो चुका है, अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर। इसे भी अच्छी तरह से मिला लें। टमाटर डालने के बाद हम इसमें 1 चुटकी नमक डालेंगे। नमक डालने से टमाटर अच्छी तरह से गल जाएगा। इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। टमाटर जब हमारा अच्छी तरह से पक जाएगा, गल जाएगा, तब हम इसमें चीनी डालेंगे। तब तक के लिए इसे चलाते हुए पकाते रहें। टमाटर को 2 मिनट के लिए ढक देते हैं, ढक देने से अच्छी तरह से पक जाएगा। टमाटर को देख लेते हैं, देखिए टमाटर हमारा अच्छी तरह से गल गया है। अब इसमें चीनी डाल देते हैं। इसमें 1 चम्मच के करीब चीनी बच गया है। चीनी डाल के अच्छी तरह से मिलाएं। चीनी अच्छी तरह से गल जाए तब तक इसको पकाते रहें। चीनी हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। चटनी हमारी तैयार है। ये चटनी किसी भी पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार ज़रूर बनाकर खाएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चटनी तैयार हो चुकी है, इसे एक प्लेट या कटोरी में निकाल कर रख देते हैं। उसके बाद हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। आलू हमारा ठंडा हो चुका है, देखिए आलू हमारा कितनी अच्छी तरह से मैश हो चुका है। आलू को उबलने के बाद तुरंत मैश कर लेने से इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ती, जिससे आलू अच्छी तरह से मैश हो जाता है और पराठा बहुत अच्छा बनता है। आलू को अगर कुछ देर छोड़ देंगे तो ये गीला हो जाएगा, इसलिए हम चलिए अब पराठा बनाना शुरू करते हैं। पराठा बनाने के लिए हमने ले आटे की लोई ले ली है, इसे इस तरह से गोल करेंगे। अब इसमें आलू भर देते हैं। इसी तरह से इस पराठे को बनाना है, इसे ध्यान से देखिए, इसे अच्छे से भरना होता है, नहीं तो पराठा हमारा फट जाएगा। इसे अच्छी तरह से इसमें भरेंगे,
इसके मुंह को बंद करेंगे। अब हम इसका पराठा बेल लेते हैं। हल्के हाथों से इसका पराठा बेलेंगे। देखिए हम पराठा कितना अच्छा से बन गया, किनारों से फटा भी नहीं है। इसे हम अच्छी तरह से सेकते हैं, फ्लेम को मीडियम रखेंगे। पराठे को मीडियम फ्लेम पर ही सेकेंगे। दोनों तरफ से जब ये हल्का हल्का सिक जाएगा तब हम इसमें तेल लगाएंगे। हम इसमें रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो बटर या घी भी ले सकती हैं। पराठा हमारा दोनों तरफ से सिक चुका है, अब इसमें तेल लगा रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से सिक रहा है। देखिए पराठा हमारा कितनी अच्छी तरह से फूल रहा है। इस तरह से आलू का पराठा बनाएंगे तो आलू का पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। ये पराठा हमारा तैयार हो चुका है, इसी तरह से बाकी पराठों को भी तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे पराठों को बना लेंगे। अगर आपको लगे कि आपका स्टफिंग गीला हो गया है तो आप आटे को भी थोड़ा ज़्यादा गीला कर लेंगे तब ये नहीं फटेगा। सभी पराठा हमारे तैयार हो चुका है, देखिए कितना अच्छा पराठा बना है। इसे हम आपको खोल के दिखाते हैं। देखिए इसमें आलू कितनी अच्छी तरह से भरा है। इसे आप चटनी के साथ सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विदिशास इंडियन किचन में। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे आलू के पराठे। ये पराठे सर्दियों के मौसम में बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में।